मुकाबले में टॉस जो है वो दिल्ली कैपिटल्स ने अपने नाम किया था। दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दिल्ली कैपिटल्स ने अपने ओपनिंग पेयर में बदलाव किया। पृथ्वी शॉ प्लेइंग 11 में आए। पृथ्वी शॉ के आने से डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ की जो जोड़ी है वो हमने देखा है, पास्ट में भी काफी शानदार रही है। इन दोनों पारी का आगाज पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर ने किया। पृथ्वी शॉ 27 गेंदों में 43 रनों की उन्होंने पारी खेली, 4 चौके और 2 छक्का उनके बल्ले से हमें देखने को मिला। डेविड वार्नर की बात करें तो 35 गेंदों में 52 रन उन्होंने बनाए, 5 चौके और 3 छक्के डेविड वार्नर के बल्ले से भी हमें देखने को मिला। उसके बाद कप्तान ऋषभ पंत बल्लेबाजी के लिए आए नंबर 3 पर। 32 गेंदों में 51 रन कप्तान ऋषभ पंत ने लगाया। आईपीएल 2024 का पहला 50 उनके बल्ले से हमें देखने को मिला है, 4 चौके और 3 छक्के वो भी अपने इस पारी में उन्होंने लगाए हैं। मिचेल मार्श नंबर 4 पर आए। मिचेल मार्श इस मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए, 18 रन बनाकर वो आउट हुए। ट्रिस्टन स्टब्स खाता भी नहीं खोल पाया और उसके बाद अक्षर पटेल और अभिषेक पोरेल ने 7 और 9 रनों की पारी खेली। कलेक्टिव एफर्ट्स की मदद से दिल्ली कैपिटल्स ने 191 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर के अपने कोटे में। चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों की अगर हम बात करें उनके स्पेल पर नजर डालें तो दीपक चाहर विकेटलेस रहे। दीपक चाहर 4 ओवर के अपने स्पेल में 42 रन खर्च करते हैं और ऐसा अक्सर होता नहीं है कि वो विकेटलेस रहे, लेकिन इस मुकाबले में 10 से ज्यादा की इकॉनमी से उन्होंने गेंदबाजी की और वो विकेटलेस रहे। उसके बाद तुषार देशपांडे भी इस मुकाबले में विकेटलेस रहे 4 ओवर में, हालांकि उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। 4 ओवर में मात्र 6 की इकॉनमी से 24 रन खर्च किए और लेकिन वो विकेट नहीं हासिल कर पाए। मुस्तफिजुर रहमान इनफॉर्म गेंदबाज और रविंद्र जडेजा इन दोनों ही गेंदबाजों ने 4 ओवर के अपने स्पेल में एक एक सफलता जो है वो प्राप्त किया और टीम के मतीशा पतिराना ही वो गेंदबाज रहे जिनकी बदौलत दिल्ली कैपिटल्स को थोड़ी बहुत परेशानी हुई। अगर मतीशा पतिराना का ये स्पेल नहीं होता तो शायद दिल्ली कैपिटल्स 200 का आंकड़ा भी पार कर लेती। दिल्ली कैपिटल्स ने 191 रन बनाए और चेन्नई सुपर किंग्स को 192 रनों का टारगेट आकर आउट हुआ और रचिन रविंद्र ने बनाए मात्र 2 रन। यहीं से सीएसके की जो गाड़ी है वो पटरी से उतरती हुई नजर आई। हालांकि अंतिम क्षणों में जरूर ऐसा लगा कि सीएसके इस मुकाबले को जीत जाएगी, लेकिन बॉल और रनों का जो अंतर है वो बहुत ज्यादा था और इतना ज्यादा था कि महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा दुनिया के 2 बेस्ट फिनिशर्स मिलकर भी इस मुकाबले में जीत हासिल नहीं कर पाए और सीएसके इस मुकाबले में मात्र 171 रन ही बना पाई और इस मुकाबले को 20 रनों के अंतर से गंवाना पड़ा सीएसके को। अगर हम सीएसके के बैटिंग स्कोर कार्ड की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र के अलावा अजिंक्य रहाणे ने अच्छी बल्लेबाजी की। 30 गेंदों में 45 रन उन्होंने बनाए, 5 चौके और 2 छक्के। जब सीएसके के ओपनर्स फ्लॉप रहे तब उसके बाद अजिंक्य रहाणे नंबर 3 पर आए और उन्होंने डेरिल मिचेल के साथ मिलकर अच्छी पार्टनरशिप की, हालांकि वो टीम को जीत नहीं दिला पाए। अगर हम अजिंक्य रहाणे की बात करें तो 30 गेंदों में 45 रन उन्होंने बनाए 5 चौके और 3 छक्कों की मदद 2 छक्कों की मदद से। 17 गेंदों में 18 रनों की पारी उन्होंने खेली। समीर रिजवी पिछले मुकाबले में सभी को इंप्रेस किया था और बहुत ज्यादा उनकी चर्चा हुई थी और इस मुकाबले में ऐसा लगा कि उनको नजर लग गई है क्योंकि गोल्डन डक का उन्होंने सामना किया है। पहली ही गेंद पर जिन्होंने आईपीएल करियर का आगाज पहली गेंद पर छक्के के साथ किया उन्होंने इसी मुकाबले में पहली गेंद पर अपना विकेट गंवा दिया, लेकिन रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी ने उम्मीद को जो है बनाए रखा था। वही बात की बॉल और रनों का जो अंतर है वो इतना ज्यादा था कि ये दोनों स्टार खिलाड़ी भी जीत सीएसके को नहीं दिला पाए। धोनी की बात करें तो 16 गेंदों में 37 रनों की आतिशी पारी उन्होंने खेली, 4 चौके और 3 छक्के धोनी के बल्ले से हमें देखने को मिला। तो वहीं रविंद्र जडेजा ने 2 चौके की मदद से 17 गेंदों में 21 रन बनाए। अगर हम दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए सबसे ज्यादा विकेट मुकेश कुमार ने चटकाए। 3 ओवर के अपने स्पेल में 21 रन खर्च करते हुए उन्होंने 3 सफलता प्राप्त की और खलील अहमद शुरुआत में पावर प्ले में खलील अहमद ने सीएसके को तोड़ कर रख दिया था। सीएसके के दोनों ओपनिंग बल्लेबाजों को खलील अहमद ने चलता किया, 2 विकेट उन्होंने प्राप्त किए इस मुकाबले में 4 ओवर के अपने स्पेल में। इन दोनों ही गेंदबाजों के अलावा ईशांत शर्मा, हेनरिक नोकिया और रसिक दार सलाम और मिचेल मार्श ये 4 गेंदबाज मिलकर कोई विकेट नहीं प्राप्त कर पाए, लेकिन टीम के लिए मुकेश कुमार और खलील अहमद ने वो काम कर दिया था और ये मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स की झोली में आ गई 20 रनों के अंतर।